मेरे बंधुओं, ये दूसरा दौर जारी है, पर देखिए सुनेंगे। खेल रहे हर ग्वालन के संग और खेलत कैद गई यमुना, लेन कूदे कूदे कनाही बेतरो मतिया में यशोदासी कौन से कहे कहा कर ले सखी तीनों लोक को मोल अकेलो। समय 15 मिनट है, ध्यान को लगाएंगे। जय समय को। अयोध्या पी का राजा सराल था, बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा दानी था, पर हुआ क्या, एक बार महादेव जी अघोरी का उदाहरण करके राजा की परीक्षा करने के लिए चले। राजा के स्वस्थान पर पहुंचे, जब राजा उनको लेने के लिए गए, कहो एक पालकी में बैठिए भोजन करने के लिए, महलों के लिए चलिए। राजन तू मुझे भोजन कराना चाहता है, तो मैंने ये सुना है कि तुम्हारी रानी चंगावती है, वो पतवरता है, मुझे पीछे बिठा के ले जाए, अयोध्यापुरी की सैर कराए, इसके बाद मुझे मन इच्छा भोजन कराए तो मैं जा सकता हूँ, वैसे नहीं जाऊंगा। जब ये कहा राजा निराश हो गए, जाकर के रानी से कहा, रानी ने आकर के कहा कि स्वामी महाराज चलिए मेरे साथ भोजन कीजिए। जैसे ही महलों में लेकर के आई, कहा कि कैसा भोजन चाहिए, पर वो कहा कि मुझे पहले 3 बच्चे दे दो, पर वो कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जान पर वचन, हम रघुवंशी हैं, जो वचन देते हैं उसे हम वापस नहीं लेते। तो सुनिए साहब समय का गाना, क्या कहा सर, अरे आम से चाहिए राजकुमार को हो राजन, अरे आम से चाहिए राजकुमार को चाह मिटे मेरी और खोजा रही सताए मही पत जाए
रानी मुझे ये बताओ कि मैं अपने शब्द को राखू क्या पुत्र को। अघोरी महात्मा ने पुत्र के भोजन मांगे हैं, मांस के भोजन मांगे हैं। रानी कहने लगी, स्वामी घबराओ नहीं। किस प्रकार से क्या कहा? पैरों को पकड़ लिया, रो रही है। और क्या कहा? पतिदेव, पुत्र तो हमारे दूसरा भी हो सकता है। अगर हमारा ये शत, ये हमारा धर्म चला गया, ये वापस लौट करके नहीं आ सकता। पर जब ये कहा तो रानी मैं क्या करूं? पर क्या कहा? मेरे राजा प्राण के प्यारे लाले तुम तो संगले आया। प्राण के प्यारे लाल तुम तो संगले सुनिए साहब, जो गाना जो मेरा है करना रश्मि है, और आप गाना सुनेंगे। वो गाना क्या है? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, सुनिए गाना। सारे तीरथ तेरे
घर के माँ बाप ही काशी मथुरा में जाने से रहे घर पे मैया जो भूखी बिलकती रहे संत ब्राह्मण जे माने से क्या फायदा हो 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 आश्रम में देखा है कब हर इंसान तूने तजी को शर्म पूरे मां बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम पूरे मां बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम क्यों सुन ले मोती न हो अब तेरा भला सुन ले मोती न होगा अब तेरा